फेस टू फेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जावेद अख्तर ने लिखा है कि जिंदगी है तो ख्वाब हैं तो मंजिलें हैं, मंजिलें हैं तो रास्ते हैं तो फासले हैं, फासले हैं तो मुश्किलें हैं तो हौसला है, और हौसला है तो विश्वास है कि फाइटर जरूर जीतता है। मेरे साथ आज एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने अपने संघर्षों के दम पर, अपने संकल्पों के दम पर, अपने कार्यों के दम पर पनवेल महानगर पालिका के उप महापौर के पद तक आप पहुंचे हैं। आपने अपने संघर्षों के दम पर, अपने कार्यों के दम पर रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के रायगढ़ के जिलाध्यक्ष पद तक पहुंचे हैं। तमाम आपने जनता के लिए, अपने समाज के लिए काम किया है, लेकिन आज सीधे हमारे साथ रूबरू हैं जगदीश गायकवाड़ साहब। आज हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इनका राजनीतिक सफर अब तक का कैसा रहा, पनवेल के उप महापौर के तौर पर आप जनता के लिए किस तरह से काम कर रहे हैं, जो दलित और पिछड़ा समाज है उसके लिए आपकी क्या भूमिका है, क्या विजन है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है टीवी वन इंडिया में। नमस्ते सुधीर शर्मा जी, टीवी वन इंडिया के लिए मैं भी शुभकामना देता हूँ। ये सर, पहला सवाल मेरा आपसे यही है कि जो दलित और पिछड़ा समाज है उसमें बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो इस मुकाम तक पहुँचते हैं, तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आपका राजनीतिक सफर अब तक का कैसा रहा, कितना संघर्षों भरा रहा है। सुधीर जी, तो पहला मैं प्रधान थे गांव का, जिस सरपंच था, उसके बाद मैं जिला परिषद में जल संधारण पे जा चुका, मेंबर बन चुका। मेरी मिसेस जिला परिषद की प्रेसिडेंट बनी, लाल बत्ती बल्कि 2.5 साल मेरे समाज ने, मैंने और मेरे पूरे परिवार ने और मेरे समाज के कई हिस्सों ने उसको, उसका अच्छा से अच्छा काम रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में किया। इसके बाद इस पनवेल म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की मेरी छोटी बहन विद्याताई गायकवाड़ ये एजुकेशन चेयरमैन बनी, और उसके बाद मैं यहाँ का भी डेप्यूटी मेयर बना हूँ। सर, कितना संघर्षपूर्ण रहा है ये सफर आपके लिए? संघर्ष हमारा नारा है, सारा भारत हमारा है। मैं संघर्ष से ही पैदा हुआ है, मेरे पिताजी ने संघर्ष किया, जबकि 55-60 में लोगों को कुआं पे या पानी नहीं दिया जाता था। गांव के नदी पे पानी नहीं दिया जाता था, नल तो तभी नहीं थे। लेकिन उस काल में मेरी दो बड़ी बहनें, मेरे पिताजी, मेरे माताजी ने पूरे गांव से संघर्ष किया। गांव के संघर्ष के बाद धीरे धीरे जैसे बाबा साहब अंबेडकर का कारवास बढ़ गया, ऐसी क्रांति आने लगी, और जैसे क्रांति आने लगी वैसे गांव-गांव में पिछड़े वर्गों के लोगों के लिए जो छुआछूत होती थी, जब से मैं बड़ा हो गया, मैं गांव का पहला गांव में चुन के आया ग्राम पंचायत में, तो ग्राम सभा में मैं चुन के आने के बाद गांव के लोगों ने मुझे पहले डिप्यूटी सरपंच किया, उसके बाद प्रभारी सरपंच मैं हो गया। जैसा मैं सरपंच हो गया तो एक गांव, दो गांव, 10 गांव, 15 गांव, गांव जुड़ते रहे, और जैसे जैसे गांव जुड़ते रहे मैं अन्याय के खिलाफ लड़ता रहा, और अन्याय के खिलाफ लड़ते लड़ते आज तक भी मैं अन्याय के खिलाफ लड़ता हूँ। और जब जब मैं हमारे समाज के ऊपर जिसने अन्याय किया मैं उसको छोड़ता नहीं, कुछ भी हो, कोई भी हो, पिछड़े वर्गों के लिए कोई भी, किसी ने भी कहा तो उसको मैं छोड़ता नहीं, लेकिन मैं सच के साथ में हूँ, झूठ के नहीं। मैं झूठा एट्रोसिटी एक्ट गुना कभी ही दाखिल नहीं करता हूँ, वो सेक्शन के खिलाफ मैं नहीं जाता हूँ। और झूठा FIR दाखिल किया तो रिजल्ट उसका बहुत गलत आता है, लेकिन मैं जो करता हूँ सच करता हूँ। मेरे लाइफ में आज तक किसी के ऊपर झूठा एट्रोसिटी एक्ट का कलम दर्ज नहीं किया, FIR दर्ज नहीं किया हूँ। मैं, मेरे बहन को किसने मारा गांव में, किसी खेड़े गांव में, मेरे भाई को किसने डांटा उसको जाके मैं जाके मारता सीधा चाटा, ये मेरा एक काम है। मैं जुल्म सहन नहीं करता, जुल्म के जंजीर तोड़ने वाला मैं काम करता हूँ, जुल्म के जंजीर तोड़ता हूँ। सर, अभी आप वर्तमान में पनवेल महानगर पालिका के डिप्टी मेयर हैं, एक बड़ी जिम्मेदारी है कि ये पूरे पनवेल जो शहरी और ग्रामीण क्षेत्र है इसके विकास को आगे बढ़ाना, और जो लोग वंचित और पिछड़े लोग हैं या जो दलित समाज है जो अभी भी जो विकास की मुख्य धारा में नहीं आ पाया है उसको न्याय देना, उसको अधिकार देना, उसे प्रोत्साहन करना, किस तरह से आप अपनी भूमिका निभा रहे हैं? पहली बात तो यह है कि जिन लोगों के पास सक्षमता नहीं है, नौकरी नहीं है, तो शिक्षित नहीं बनते। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि पढ़ो, संगठित बनो और फिर संघर्ष करो। हमारे लोग सीखने से पहले, पढ़ने से पहले, शिक्षित होने से पहले संघर्ष करते, थर्ड स्टेप लेते हैं, वो स्टेप है, वो स्टेप को जाना चाहिए, वो स्टेप है, लेकिन
पहला पढ़ना चाहिए। अभी पढ़ने के लिए पढ़ना है तो अच्छा कॉलेज में जाना है, अच्छा स्कूल में जाना है, कॉन्वेंट्स में बच्चों को भेजना है, तो आर्थिक महामारी है, पैसा नहीं है। अभी पैसा नहीं है तो क्या, बाबा साहब जब पढ़े तो पैसे थे? बिल्कुल नहीं था। बाबा साहब जब पढ़ते थे तब गाड़ी थी? नहीं थी। बाबा साहब जब पढ़ते थे तो ऐसा कुछ सोना चांदी लोग पहनते थे? बाबा साहब के काल के पूर्व से ये सोना चांदी पहनने का अधिकार भी नहीं था, क्योंकि यहाँ के मनुवादी लोगों ने हमारे ऊपर जुर्म किया था, हमें शिक्षा से रोक लिया था, लेकिन बाबा साहब ने इस बंधन को तोड़ डाला और शिक्षा का प्रवर्ग शुरू किया है। तो अभी हमारे लोग ने, जहाँ पर मैं डिप्टी मेयर करके उप महापौर करके बैठा हूँ, मेरी उम्मीद क्या है, मेरा विजन क्या है कि मेरे समाज का, मेरे साथ रहने वाला एससी एसटी एनटी ओबीसी माइनॉरिटी का जो बच्चा है वो पढ़ना चाहिए। इसके लिए मैं जिस दिन चुन के आया उसके दूसरे सभा में, महासभा में बोला कि एसएससी पास जो, टेंथ पास जो होएगा जो लड़की, उसको 60% अबव परसेंटेज मार्क है तो उसको गुण है, तो उसको 60,000 रुपया डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर शिष्यवृत्ति देगा। 90 है, 60 के ऊपर है तो उसको 90,000 रुपया देगी और बच्चे लोग को शिक्षा पढ़ाएगी। इसमें आके मैंने क्या किया, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में मैं आया, मैंने क्या किया मैं आपको बताता हूँ। जबकि मेरी पत्नी रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में प्रेसिडेंट थी, राज्य मंत्री थी, तो हम लोग हर तालुके में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का एक, लोगों को चाहिए है वो हिसाब से एक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया और लोगों में, हर लोग 35 लाख 40 लाख रुपया हर तहसील को खर्चा करके डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के नाम से पूरा एक स्ट्रक्चर तैयार किया और लोगों को, बच्चे को पढ़ना है, शिक्षा देना है तो वह आके वो जैसे, हाँ, लाइब्रेरी उसमें अच्छा से रखा है। पनवेल में मैंने, जैसे मैं डिप्टी मेयर हो गया, मैं कलमबोली में शाहू महाराज के नाम से एक 20 घंटा जगह, मतलब तो 20 कोटी की जगह है, उसको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट खर्चा जो भी 2-5 कोटी आएगा वो किया। मैं सावित्रीबाई फुले के नाम से किया कि जिन्हें शिक्षा शुरू की। यस, मैं यहाँ आने के बाद रमाई, जिसने बाबा साहब अम्बेडकर को आगे बढ़ने के लिए पूरे प्रवास में योगदान दिया, सहकार्य किया है, उसके बाद मैं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के नाम के ये कामोठे में 20 घंटा, ऐसा 20-20 घंटा लेके मैं सड़कों से, मेरा प्रस्तावित होके मैं 5 प्रोजेक्ट बना रहा हूँ। ये 5 प्रोजेक्ट इसके लिए बना रहा हूँ कि मेरे समाज के लोग, मुझे कौन देखना है, बाबा साहब ने बोला था कि शासनकर्ता बनो, शासनकर्ते का मतलब नगर सेवक उप महापौर आमदार खासदार ये नहीं, ये शासनकर्ते को ऐसा बनो, आईएएस आईपीएस प्रधान सचिव सेक्रेटरी ये बनो। तो मेरा विजन ये है कि मेरे समाज के प्रति जो लोग हैं, मैं युवा पीढ़ी में जो भी लोग हैं वो यहाँ आके रहेंगे, उनको बंबई में शिक्षा के लिए जाना है, एग्जाम के लिए जाना है, तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर में आके डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के इस भवन में ये रुकेंगे और उधर से उनको जितना दिन के एग्जाम है, फिर उत्तर महाराष्ट्र से आते हैं, पश्चिम महाराष्ट्र से आते हैं, उत्तर प्रदेश से आते हैं, आसाम से आते हैं, बिहार से आते हैं, जहाँ से भी आते हैं, जो हमारे भारतीय है, जो भारतीय यहाँ बच्चे यहाँ पढ़ेंगे, 8 या 10 दिन यहाँ रहेंगे, उनका खाना फ्री, रहना फ्री, सब मेरी ट्रस्ट मंगल जी गायकवाड़ सामाजिक एजुकेशन ट्रस्ट उनको खाना खिलाएंगी, 10 दिन सेवा देंगी और पनवेल के भीतर जितने लोग हैं उनको आईएएस आईपीएस बनना है, उनके फ्री ऑफ कास्ट लेक्चर मैं उधर लूंगा, उनको स्टडी के लिए दिल्ली से स्पेसिफिक बुक वहाँ पर रहेंगे। ये सब मेरा एक सपना है, ये मैं करने के लिए, मेरा ख्वाब है ये करने के लिए मैं आगे जा रहा हूँ। सर, जैसा कि आपने खुद पहले ही कहा कि बाबा साहब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि पहले सीखो, संगठित बनो, उसके बाद संघर्ष करो, लेकिन समाज में जो एक धारा चल रही है कि ये जो पैरामीटर्स बाबा साहब ने दिया था कि अगर सीखोगे तो तुम्हें ज्ञान होगा कानून क्या है, क्या तुम्हारे अधिकार हैं, क्या तुम्हारे राइट्स हैं, और जो दूसरी चीज़ थी कि अगर सीख लेंगे तो संगठित कैसे होना, इसका ज्ञान हो जाएगा और उसके बाद अपने अधिकारों के लिए इंसान संघर्ष कर सकता है, लेकिन समाज कहीं ना कहीं भटका हुआ है, गुमराह है, आप इसके पीछे क्या कारण मानते हैं? समाज जो भटका हुआ है, समाज के जो लीडर है, ये लीडर ने क्या किया, खुद का देखा है, बाबा साहब ने खुद का देखा नहीं, इसके लिए बाबा साहब के पीछे लोग, आज बाबा साहब की पार्टी को चला के आगे लेके जाना था, लेकिन बाबा साहब के ही पोते, बाबा साहब जो के रिलेशन में लोग है, वो पार्टी छोड़ के दूसरा पार्टी निकल रहा है, दैट इज बैड,
नॉट गुड, बट ये जो पार्टी बाबा साहब अंबेडकर की विजन की पार्टी थी, बाबा साहब का सपना था कि ये मेरी पार्टी सत्ता में जरूर नहीं आएगी लेकिन अपोजिशन में आना चाहिए था। बाबा साहब का विजन था कि अपोजिशन में आओ और अपोजिशन लीडर होके बनो, और अपोजिशन क्या होता है वो बाबा साहब ने इस भारत को बताया है। तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं जो लीडर्स हैं जो अभी तक रहे हैं उन्होंने समाज के घटकों को गुमराह किया, जिसके वजह से आज डेफिनेटली धारा में नहीं आ पा रहे। सर, आप जिस पार्टी का प्रतिनिधित्व करते हैं रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, ये पूरे देश में एक राष्ट्रीय पार्टी है और रामदास आठवले साहब इस वक्त केंद्रीय कैबिनेट मंत्री भी हैं, किस तरह से आप रायगढ़ के जिलाध्यक्ष के तौर पर जो दलित पिछड़ा समाज है उसको सही रास्ते पर लाने का आप प्रयास कर रहे हैं, और कहाँ आपको कमियाँ दिख रही हैं समाज में जिसे सुधारना आपकी नज़र में सबसे ज़्यादा जरूरी है? मैं 30 साल से इस पॉलिटिशियन पार्टी में काम करता हूँ, मैं पैंथर से यहाँ पर जुटा हूँ, मैं रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की पार्टी को लेकर चल रहा हूँ। मैं बाबा साहब अम्बेडकर की पार्टी को लेकर चल रहा हूँ तो मैं रायगढ़ जिले में, मेरे 15 तहसील है, 15 तालुका है, इस 15 तालुकों में मेरी अच्छी मजबूत संगठन है। मैंने क्या किया है कि हर तालुके में पहला डॉक्टर वकील इंजीनियर लोगों की टीम बनाई, उसके बाद मैंने सब शिक्षित लोगों को इकट्ठा किया और मैंने बोला अपना विजन क्या रखना है। 10 लोग को पहला कॉन्ट्रैक्टर बनाएंगे, 20 लोग को नौकरी दूंगा, 50 लोग को रोजगार दूंगा। हर स्कीम में मैं हर साल में मेरा एक कैडर बेसिस काम रहता है, साल में 4 काम रहता है। फिर उत्तर रायगढ़, दक्षिण रायगढ़, फिर मेरा करजत खालापुर का जो मतलब विधान परिषद का क्षेत्र है उसमें सब मेरे, आज आप देखेंगे तो मेरे 10 तालों का प्रेसिडेंट ऐसे है कि खुद 4 व्हीलर गाड़ी, 4-4 5-5 गाड़ियां लेके घूमते हैं, कॉन्ट्रैक्टर है और अच्छा मतलब काम है, नेक काम करते हैं, बिजनेस करते हैं, वो हिसाब से किया। नौकरी देने के लिए मैं आपको नौकरी देने के लिए मैं बहुत संघर्ष किया, बहुत इंडस्ट्री के लोगों को जाके मैंने मारपीट किया तब कई लोगों को मुझे नौकरी लगा। यहाँ के जो नौकरी देने वाले लोग हैं बड़े हरामखोर और हरामी है। यहाँ का CSR फंड है ना, SC ST के जगह में नहीं यूज करते हैं। अच्छा। जो बड़ा धनिक है, एंटीने वाला है, उनको ही देते हैं। तो मेरा कहना है उनको कि आपका जो भी CSR फंड जो है वो गांव में, खेड़े गांव में तथा आदिवासी जो ट्राइबल एरिया है उसमें खर्चा होना चाहिए, ये मेरा विजन है। सर, एक चीज़ अगर देखें तो जिस क्षेत्र को आप रायगढ़, मैं पूरे रायगढ़ की बात करूंगा, ना सिर्फ पनवेल की बात मैं नहीं करना चाहता, जैसे आपने खुद कहा कि ये 15 तालुका इसमें है तो एक बड़ा बड़ा डिस्ट्रिक्ट है ये, लेकिन अगर आप गौर से देखेंगे तो रायगढ़ में जो दलित समुदाय है वो आज भी बेहद पिछड़ा हुआ है। तमाम सरकारी योजनाएँ हैं उनके उत्थान के लिए लेकिन आखिर वहाँ तक सही मायने में पहुँच नहीं पा रही हैं। आप इसके लिए किसे जिम्मेदार मानते हैं? क्या समाज इसे लेना नहीं चाहता, या कुछ लोग जो ब्यूरोक्रेसी है वो शायद दलित और पिछड़ा समाज को आगे नहीं आने देना चाहती इसलिए सारी योजनाएं उन तक नहीं पहुंच पा रही? इसमें दो बात है कि रायगढ़ में जिसकी DPT पीछे में सत्ता रहती है, एक तो वो लोग दलित लोगों का काम नहीं करता है। यस, DPTC में मैं सिर्फ 2 मीटिंग के लिए गया, 2 मीटिंग में मैंने 3 करोड़ रुपए मंजूर करके काम किया। आज आप खोपुली में देखेंगे तो उनको मैं 80 लाख रुपया एक खोपुली शेर के लिए दिया। अच्छा। जब बाबा साहब अम्बेडकर का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो जाए तो उसके लिए दिया। मैं बहुत काम किया हूँ JDP में, बहुत काम किया हूँ। दूसरी बात, रायगढ़ के जो लोग हैं वो फार्मर हैं, इनके पास सबके पास खेती है, लैंड है, वो शेतकरी है। ये फार्मर होने के कारण क्या होता है कि महात्मा फुले महासुखी विकास महामंडल, इसका जो कर्जा लेना है ये लोग लेते नहीं है। अभी उसमें भी ये बहुत कुछ गड़बड़ है, देना है नहीं देना है उनका MD डिसाइड करता है, मंत्रालय डिसाइड करता है। लेकिन अपन रायगढ़ छोड़ के आगे गए, जैसे कि मराठवाड़ा में गए, औरंगाबाद में गए, पश्चिम महाराष्ट्र में गए, तो लोन लेने वाला, बिजनेस करने वाले लोग बहुत हैं। लेकिन कोकण में ऐसा है कि रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग 3 डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ में देखेंगे ना तो लोग लोन लेने के लिए जाता नहीं, क्योंकि इनका विजन ये फार्मर है, इनके बच्चे बम्बई में काम में है, काम करते हैं इसके लिए नहीं। लेकिन इन्होंने लेना चाहिए, ये सरकार की सुविधा लेना चाहिए। आज रामदास जी आठवले सेंट्रल मिनिस्टर है, उनका पैसा इधर खर्चा होना चाहिए, लेकिन महाराष्ट्र में नहीं होता है। महाराष्ट्र के
बाहर ज्यादा होता है। अभी नागालैंड में मैं देखा, नागालैंड में बहुत अच्छा लोग विजन बनाए, ये महाराष्ट्र में होना उचित है। बिल्कुल नहीं, आपने बहुत बढ़िया बात कही कि जो जो उस कैबिनेट मिनिस्ट्री उनके हाथ में इस वक्त है और सामाजिक न्याय और सहकारिता मंत्री है, इतना बड़ा फायदा महाराष्ट्र के लिए, 19,000 करोड़ का उनका बजट है, इतना बड़ा फायदा यहाँ के लिए हो सकता है, लेकिन पता नहीं कौन सी मानसिकता है ये लेना चाहिए। सर एक चीज मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जो पनवेल क्षेत्र है, पनवेल क्षेत्र हो या ये पूरे महाराष्ट्र की मैं बात कर रहा हूँ, आपको लगता है कि कहीं ना कहीं जो अब तक की सरकारें रही हैं उन्होंने भी दलितों के साथ अन्याय किया है? जो उन्हें अधिकार देना चाहिए वो अधिकार आज तक उन्हें नहीं दिया गया, ताकि ये समाज हमेशा का हमेशा पिछड़ा ही रहे। सरकार कोई भी रहने दो, वो उनका कार्यकर्ता का सोचता है। यदि इस सरकार में कोई भी सरकार, किसी का भी सरकार, अन्याय अत्याचार होते हो रहेंगे, ये सरकार कांग्रेस का रहने दो, कांग्रेस का रहने दो, शिवसेना ने बीजेपी का था वो भी बात ऐसी की थी, जो भी लोग का सरकार आता है, सरकार दलितों के ऊपर जुल्म करता है। जुल्म न होने के लिए हमारी एक डेमोक्रेसी तैयार होना चाहिए। मेरे जितने यूथ फोर्स है वो इकट्ठा होना चाहिए। होता है कैसा कि रिजर्वेशन का एक वार्ड पड़ा है, तो समझो एक MLA विधानसभा रिजर्वेशन है, तो हमारे समाज के उसमें 50 लोग खड़े होते हैं, बल्कि चुन के एक ही आता है, 49 गिर जाते हैं, लेकिन ये 50 लोग इकट्ठा होकर अगर इनको जर चुन के दिया तो ये जाके पार्लियामेंट में या हो या विधानसभा में हो जाके बोलेंगे, ये दूसरे के चिन्ह पे दूसरे पार्टी के साथ जुड़ के चुन के आते हैं, तो वो बोल नहीं पाते हैं। फिर रामदास आठवले हो, जगदीश गायकवाड़ हो, अदरवाइज कोई भी हो, लेकिन जिनको बोलना है, देखो अभी मैं इधर है, मैं सबके अभी भी देखा महासभा में, जो मुझे चाहिए विधान मंजूर करके लेता हूँ, जिधर भी चाहिए मुझे मंजूर करके लेता हूँ, ऐसे रामदास आठवले उधर करते हैं। बीजेपी हमको सॉफ्ट क्यों मिली है, उसका कारण ऐसा है कि बीजेपी में हम लोग से बीजेपी का गठबंधन जो हुआ है, ये गठबंधन पॉलिटिकली हुआ है, 40% पॉलिटिकली हुआ है, 60% धार्मिकता हमारी अलग है, उनकी अलग है, और ये अलग रहेगी, हमेशा की रहेगी, लेकिन पॉलिटिकल में जब तक तुम सांसद नहीं बनोगे, पार्लियामेंट में बात नहीं करोगे, तुम नगर सेवक नहीं बनेंगे, कॉरपोरेशन में बात नहीं करेंगे, तुम प्रधान नहीं बनेंगे, ग्राम पंचायत में बात नहीं करेंगे, इसके लिए तुमको जो बनना है चुन के आना है, चुन के आने के बाद तुम सब कुछ कर सकता है। जब तुम चुन के आने के लिए एक अगर शेड्यूल कास्ट का आदमी खड़ा होता है तो उसके पीछे इतने लोग उसके अपोजिशन में खड़े होते हैं। मेरे अपोजिशन में एक 7-8 लोग था, सबका डिपॉजिट जब्त हो गया। मेरे को समाज मुझे बहुत चाहता है, या का OBC समाज मुझे चाहता है, या का माइनॉरिटी का समाज मुझे चाहता है, या का दलित हो, या का आदिवासी हो, या का जो भी SC ST NT वाले मुझे चाहते, क्योंकि मैं उनके हर लोग चुन के, कभी हमारे लोग क्यों नहीं चुन के आते, उसका रीजन मालूम है? 5 साल में जब इलेक्शन आते हैं तभी हमारे लोग फॉर्म भरते जाते हैं, तभी फॉर्म भरते हैं, निवडणुकीचा अर्ज भरला, निवडणुकीचा फॉर्म भर चुका, बराबर है, तो फिर हम लोग क्या करता है कि 365 डेज में 300 दिन हम लोगों में रहता है। हम फैमिली के साथ नहीं जुड़ता हूँ, बल्कि लोगों में जुड़ता हूँ। मैयत हुआ है, हॉस्पिटल में जाना है, शादी में जाना है, सगाई में जाना है, मतलब जो जो काम है, जो जो अच्छा काम है, सब वहाँ जगह हमको जाना पड़ता है। लोग हमको चाहते हैं, मानते हैं। मेरी बीवी जो चुन के आई, मेरी मिसेस कविता गायकवाड़, जगदीश गायकवाड़, ये आ गई मेरे घर से 35 किलोमीटर दूर। मैं चुन के आ गया, मेरा गांव छोड़ के काम उठा। मेरी बहन चुन के आ गई ओपन में, ओपन वार्ड से चुन के आई। ये हमारा काम है, इस क्षेत्र में हमारा काम है, इसके लिए हम चुन के आते हैं। आपने एक बात कही जो मुझे, मैं आपको पॉइंट आउट करना चाहता हूँ। आपने कहा कि अगर दलित समुदाय निश्चित तौर पर आगे आना चाहता है, लेकिन जब कोई किसी को अपना नेता नहीं मानना चाहता, आप स्टेट लेवल पर देखिए, तमाम ऐसे दलित समुदाय के लीडर हैं जो अलग अलग खेमा चलाते हैं, और शायद उसकी वजह से आपको नहीं लगता कि ये बिखराव के कारण ही जो जो ताकत उभर कर आनी चाहिए थी दलित समाज में, या जो लोक प्रतिनिधित्व तो मिलना चाहिए नेशनल लेवल पर, वो नहीं मिल पा रहा है। उसका एक उदाहरण आपका लोकल में दिख रहा है कि एक कैंडिडेट खड़ा हो रहा है तो उसके साथ 8 कैंडिडेट और खड़ा हो रहे हैं, जबकि ये चाहते तो एक साथ सपोर्ट करके और अपना लोक प्रतिनिधित्व और मजबूत कर सकते थे। आपको नहीं लगता सर ये अलग अलग तमाम नेताओं के रहने की वजह से, अलग अलग खेमा बनने की वजह से ही दलित समुदाय को नेशनल लेवल पर, राष्ट्रीय स्तर पर सही लोक प्रतिनिधित्व नहीं मिल पा रहा है?
क्या हो गया, हमारी पार्टी एक और लीडर 500, ये 500 लीडर क्या करते हैं, 1000 लोगों को इकट्ठा करते हैं। मेरा विजन इसमें ऐसा है कि भाई फलो चलो, तुम्हारे दलितों को 20 पार्टी है ना, तो 20 जो विधानसभा क्षेत्र है या लोकसभा क्षेत्र है उसमें 4 रिजर्व है, तो 4 जगह 4 पार्टी को बांट दो, ये 20 जगह 20 पार्टी को जान दो, 20 विधायक आपने अगर उधर गए इंडिपेंडेंट 20 विधायक जिस दिन जाएंगे उस दिन महाराष्ट्र में बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा हुआ संविधान का पूरा उपयोग हो जाएगा। ये जाते नहीं ना, हमको दूसरे पार्टी जाना पड़ता है, क्योंकि हमारी पार्टी बाबा साहब की पार्टी, जो बाबा साहब की पार्टी है वो चलाने के लिए रामदास जी आठवले आता है, वो पार्टी प्रकाश अम्बेडकर ने चलानी चाहिए थे ना, प्रकाश अम्बेडकर ने वो पार्टी चलाना चाहिए थे, लोग उसके जुड़ता था, लेकिन उसने क्या किया, अनेक पार्टी निकाली, वो भारी बहुजन महासंघ निकाला, अभी वंचित निकाला, ये निकाला, वो निकाला, छोड़ो बाबा साहब अम्बेडकर की पार्टी आप चलाओ, रामदास जी आठवले को आप पीछे लो, उनको भी छोड़ो मत, उनको भी तोड़ो मत, बोलो आठवले साहब मैं प्रेसिडेंट बनता हूँ, तुम चेयरमैन वाइस सेक्रेटरी बनो, और सब मिलकर बाबा साहब की पार्टी चलाओ, और सभी जाति धर्म, क्या होता है ये बुद्धिस्ट कॉन्सेप्ट अलग है, और इसमें जो दूसरी जाति जिसमें आते हैं वो अलग है, इसमें क्या होता है एक बुद्धिस्ट खड़ा हुआ तो बाकी जो शेड्यूल कास्ट के लोग है उसके अपोजिशन में खड़े, लेकिन बुद्धिस्ट के वोट अभी 100 है, इनके 15 है, लेकिन 15 के 15 खड़े होते हैं, बुद्धिस्ट को गिराते हैं, ये बुद्धिस्ट को गिराते हैं, इसके लिए इनकी भी बुद्धि काम नहीं करती है, तो बुद्धिस्ट को नहीं गिराना चाहिए, ये भी साथ आना चाहिए। आपने बहुत बहुत बढ़िया बात कही, कहीं ना कहीं अभी एकजुटता की जरूरत है समाज को, अगर आपको आगे ले जाना है तो निश्चित तौर पर संगठित होना पड़ेगा, जो बाबा साहब ने खुद ही संदेश दिया था, अब सीख लिए तो संगठित बनो, लेकिन यही सबसे बड़ी शायद इस समाज की कमी है कि संगठित नहीं हो रहा, और नेता तमाम है और संकल्प एक ही है, बिखराव के कारण जो है ये अपने समाज का काम नहीं हो पा रहा। सर आपको जो प्रमुख सवाल है अभी इस वक्त जो सुर्खियों में है, जो नई मुंबई का इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसको एक नाम देने की चर्चा चल रही है, और यहाँ के जो नगर विकास मंत्री हैं उनका कहना है कि इसको बाला साहब ठाकरे का नाम दिया जाना चाहिए। आप इस क्षेत्र के एक दिग्गज नेता हैं, एक पार्टी के आप यहाँ के मुखिया हैं, आपकी सोच क्या कहती है, क्या वाकई नई मुंबई एयरपोर्ट को किस व्यक्ति का नाम दिया जाना चाहिए, आपके लिहाज से क्या उचित लगता है? मैं एकनाथ शिंदे जो मंत्री महोदय है उनको मेरी इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट कि बाला साहब ठाकरे ने हमारे ये इलाके में पनवेल में उरन में और हमारे नवी मुंबई में एक काम ऐसा इन लैंड अफेक्टेड लोगों के लिए किया है वो बताओ और नाम दो, नहीं तो मैं ढेर सारे काम यहाँ का बहुजनों का दलितों का ओबीसी का मसीहा दीवा पाटिल साहब ने किया है उसकी कुंडली में आपके सामने लाता हूँ। लाठी काठी खाया, गोली खाया, खून खून खुद का खून बह गया, लोगों को यहाँ पर 5 लोग ढेर हो गया, उनके ऊपर गोली चली है, बलिदान देना पड़ा, बलिदान देना पड़ा है, लोग लाखों हजारों लोगों के ऊपर पुलिस केस हुआ, जेल में जाना पड़ा, तो बाला साहब ठाकरे को इधर केस हो गया, बाला साहब ठाकरे ने इधर खून उनका गया, बाला साहब ठाकरे ने क्या किया इधर, इसके लिए कुछ नहीं किया, इधर दीवा पाटिल साहब ने किया, दीवा पाटिल का नाम रहेगा एक, क्यों कि एक ओबीसी का नाम रहेगा तो विश्व में विश्व कल्याण की बात कर रहा हूं, तो विश्व के सभी लोग बोलेंगे ये दीवा पाटिल कौन था, जब आउट ऑफ इंडिया से लोग आएंगे दीवा पाटिल दीवा पाटिल कौन है, तो हम बोलेंगे दीवा पाटिल डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के विचार पर चलने वाला यहाँ का ओबीसी लीडर था, यहाँ के लैंड अफेक्टेड लोगों के लिए लड़ने वाला दीवा पाटिल था, यहाँ के लिए एक शिक्षा समाज को एक संगठित करने वाला, यहाँ का मोर्चा आंदोलन छिड़कों के खिलाफ लड़ने वाला, यहाँ के शरद पवार को काला झंडा दिखाने वाला, यहाँ के इधर डेमोक्रेसी को पूरा चेंज करने वाला अपोजिशन लीडर महाराष्ट्र का दीवा पाटिल था, सांसद था, और यह दीवा पाटिल ने इस केवल महाराष्ट्र के लिए नहीं तो भारत के लिए कानून बनाया, बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को लेके उसकी जो पढ़ के उसने शेतकरी का विधायक बनाने वाला ये दीवा पाटिल बाबा साहब का चाहता था, हम दीवा पाटिल के चाहते इसीलिए है, नहीं तो मैं बोला था वहां गौतम बुद्ध का मूर्ति शिड़को ने चोरी करके लेके गया, शिड़को के हरामखोर लोगों ने वो डालो, मैं बोला नहीं वो नाम दो नहीं, इधर खून किसका गया, जैसे ही गांव के दीवा पाटिल है वो यहाँ के
लैंड अफेक्टेड है उनका ही नाम रहेगा, दूसरा किसका नाम देंगे तो, या जैसे यूपी बिहार वाले मेरे उत्तर भारतीय भी यहाँ पर है, वो भी दीवा पाटिल के लिए है। ये है कि यहाँ के उत्तर भारतीयों को पहला प्राधान्य देने वाला इस पनवेल नगर पालिका थी, यहाँ नगर पालिका के प्रेसिडेंट भी नगराध्यक्ष भी दीवा पाटिल थे। ये जो आज आप देखेंगे शिवाजी नगर झोपड़पट्टी, आजाद नगर झोपड़पट्टी, महात्मा फुले नगर झोपड़पट्टी, ये पंचशील नगर झोपड़पट्टी, वो बिठाने वाले जब उसमें उत्तर भारतीय रहते थे, किसने बिठाई थी? दीवा पाटिल ने। तो उत्तर भारतीय लोग भी मेरे साथ, मेरे दीवा पाटिल के साथ हैं। सर आपने बहुत बड़ी बात कही, क्योंकि इसमें कोई, मुझे नहीं लगता इसमें किसी तरह की राजनीति होनी चाहिए, क्योंकि उनका योगदान इतना महान रहा है कि कोई दूसरा नाम आना भी नहीं चाहिए इस क्षेत्र के लिए, जहाँ पर जिस क्षेत्र में ये नवीनबाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है। और निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि जिस तरह से आप लोगों की मांग है यही होगा। एक जो अहम प्रश्न है कि अगर हम देखें तो रिपाई के साथ बड़ी संख्या में दलित समुदाय जुड़ा है, ओबीसी समाज जुड़ा है, लेकिन आज भी जो प्रमुखता से जुड़ने की बात है, युवाओं को आकर्षित करने की जरूरत है। युवा जुड़ेंगे तो पार्टी का जनाधार बढ़ेगा, आगे आने वाले समय में उसको प्रतिनिधित्व और ज़्यादा मिलेगा। सर आपकी किस तरह की प्लानिंग है आने वाले समय में, अगले एक दो सालों में किस तरह से आप युवाओं को जोड़ने की कोशिश करेंगे? ऑलरेडी यहाँ की युवा की संगठन हमारे पार्टी में सिर्फ एससी एसटी नहीं है, यहाँ के ओबीसी बड़े पैमाने पर है, मुस्लिम है, सभी जाति धर्म के लोग, और डॉक्टर वकील इंजीनियर की ये पार्टी है। रायगढ़ जिले की रिपब्लिकन पार्टी केवल कार्यकर्ता की नहीं है, तो ये पार्टी डॉक्टर वकील इंजीनियर एससी एसटी एनटी ओबीसी माइनॉरिटी की, ब्राह्मण भी मेरे पार्टी में काम करता है, मनोज पांडे जैसे ब्राह्मण है, तिवारी जैसे ब्राह्मण है, मेरे मतलब ये सब चाणक्य ब्राह्मण भी मेरे पार्टी में काम करते हैं, कि उनको बाबा साहब, सभी ब्राह्मणों ने बाबा साहब के खिलाफ लड़ा नहीं है, शिक्षित ब्राह्मण बाबा साहब के साथ थे, मेरे साथ भी पूरे ब्राह्मण जो है वो शिक्षित ब्राह्मण जो बाबा साहब की डेमोक्रेसी को चाहने वाले, वो मेरे पार्टी को चाहते हैं, बाबा साहब के पार्टी को चाहने वाले या बहुत ब्राह्मण बिराजदार से लेके इनामदार से मेरे पार्टी में जुटे हैं। तो युवाओं को, युवाओं के लिए जो रोजगार की जो समस्या है आज के दौर में, खासकर दलित समाज की, उसके लिए आपने पहले कुछ बताया कि बहुत सारे आप ऐसा इंतजाम किए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा आपने तैयार किया है जो मुंबई में आने वाले लोगों को वहाँ पर एक आसरा मिले और वहाँ से अपने एजुकेशन और रोजगार के लिए प्रयास कर सकें। आने वाले समय में क्या लक्ष्य है, कितने लोगों को आप चाहते हैं कि 2022 जब आए तो उस वक्त कितने युवाओं को हम जोड़ेंगे और उनको रोजगार की व्यवस्था करेंगे? युवा हमसे जुड़ना चाहिए, युवाओं से हम नहीं। जब युवा हमसे जुड़ेंगे, उनका जो रिज्यूम है वो हम देखेंगे, उसका क्वालिफिकेशन क्या वो देखेंगे, और हर महाड़ MIDC है, रोहा MIDC है, मानगांव MIDC है, खोपुली MIDC है, इसके बाद यहाँ पर आने वाले बड़े प्रोजेक्ट है, JSW का प्रोजेक्ट है, बराबर है। इसके बाद हम जाएंगे तो यहाँ ONGC है, इधर हम लोग देखेंगे तोलोजा MIDC है, ये सब MIDC में जाके मैं ठिया आंदोलन मोर्चा करूँगा। लेकिन वो युवा हमारे पास जुड़ने के बाद, वो युवा पहला प्राधान्य हम देंगे, फर्स्ट प्रेफरेंस देंगे या कि लोकल को, सेकंड देंगे कॉस्मोपॉलिटन लोगों को, क्योंकि कॉस्मोपॉलिटन लोगों के ऊपर हमारी सियासत है, जैसे लोकल लोगों के ऊपर है, उससे 90% कॉस्मोपॉलिटन लोग हमारे वोटर्स है। वो बेचारी यहाँ 15 साल हो गया, तो बाबा साहब ने कानून बनाया ना, जो 15 साल यहाँ पे उसका बोनाफाइड बनता है, बाबा साहब ने बनाया ना, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है। तो मैं उनको विनती करूंगा कि आप एक संगठित हो, ये पार्टी आएगी जाएगी लेकिन घर संभालने के लिए कोई नहीं आएगा। पहला घर संभालो, बाबा साहब ने कहा था पहला घर संभालो। अगर घर में तुम्हारी रोटी है तो दूसरे भाई को आधा रोटी दे सकता है, घर में रोटी नहीं तो दूसरे भाई को हम रोटी नहीं दे सकता है, और नौकरी नहीं तो छोकरी नहीं। तो इसके लिए इसका जो विजन लेके हमको चलना है, तो नौकरी हमको चाहिए। आखिरी सर दो सवाल रह गए हैं आपसे। पहला सवाल तो ये कि क्या आने वाले समय में जगदीश गायकवाड़ साहब खुद विधायक के लिए खड़े होंगे और अपने समाज को और जो भी समाज आपसे जुड़ा हुआ उसका प्रतिनिधित्व करेंगे बतौर विधायक? अगर मैं विधायक बना तो महाराष्ट्र में एक नंबर का विधायक होगा, क्योंकि मैं प्रैक्टिकली ग्रास रूट से आया हूँ। बाबा साहब के आशीर्वाद से, छत्रपति शिवाजी महाराज के, महात्मा ज्योतिराव फुले के आशीर्वाद से, अहिल्या देवी के आशीर्वाद से, शाहू महाराज के आशीर्वाद से, अगर मेरा ये कॉन्स्टिट्यूसी जो है ये विधान क्षेत्र रिजर्वेशन हो गया, तो मैं 101% 101,000 ग्यारह वोटों से चुन जाऊंगा।
ये मेरी मेरी मेरा हौसला मेरी उम्मीद है, लेकिन मुझे लग रहा है अभी 5.5 लाख के ऊपर, हम 10 लाख तक वोटों के ऊपर गया है, 2.5 लाख का यहाँ पर विधानसभा क्षेत्र रहता है, 2 क्षेत्र होने के बाद आज पनवेल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में 1,13,370 वोटर्स SC ST के है। मुझे इस बात में भी खुशी है, अगला आने वाला चुनाव अगर 2 यहाँ पर विधानसभा बन गया तो एक शेड्यूल कास्ट बनेगी और जगदीश गायकवाड 101% आमदार बनेगा, और मैं आमदार बनूंगा तो मैं मंत्री बनूंगा। सर मैं 4-5 आपसे पर्सनल सवाल करूंगा, उसके बाद आखिरी सवाल करूंगा, ये बहुत निजी सवाल है जी, आपको एक एक लाइन में उसका जवाब देना है। ये इसको हम रैपिड फायर राउंड बोलते हैं। आपको गुस्सा कब आता है? चलिए, मुझे गुस्सा जब बार बार एक ही काम के लिए बार बार 50 फोन लोग करते हैं। एक काम है मुझसे नहीं हुआ, मेरे PA से करो, उससे नहीं हुआ मैं मेरा कार्यकर्ता को बोलता हूँ, उसी लिए 5 बार नहीं आना चाहिए। आपका काम नहीं हुआ तो फोन करो, हुआ तो फिर भी हाँ हो गया, अरे छोड़ो ना भाव, मेरा दूसरा काम है ना। और आपका बता दो, ट्रैफिक पुलिस ने गाड़ी पकड़ा है, उसको 50 रुपये का पर्ची फाड़ा है, उसके लिए 50 फोन करेगा तो गुस्सा ही आएगा ना। कानूनी जो पैसा भरो, तुमने गलती की है ना। आपको खुशी कब होती है? मुझे खुशी जब होती है जब हर OBC के, माइनॉरिटी के, ओपन के लोगों के मुंह से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का नाम संविधान निर्माता करके आता है, तब मुझे बहुत खुशी होती है। आपको आपका फेवरेट फूड क्या है? मेरा फेवरेट फूड ऐसा अगर बोले तो भी लीची है। आपका फेवरेट डेस्टिनेशन कहाँ जाना पसंद करते हैं? नहीं, मुझे हिल स्टेशन। अच्छा, ओके। अगर एक दिन का आपको मुख्यमंत्री महाराष्ट्र का बना दिया जाए तो आप क्या करना चाहेंगे? एक काम अगर गौर से सुनो, मैं महाराष्ट्र का एक दिन मुख्यमंत्री बना तो पहला मैं जितने SC ST NT और OBC के जो ऑफिसर लोग है उनको साइड में लगा, हेडक्वार्टर में डाला है, उनको अच्छा चेयर नहीं में नहीं बिठाया है, वो पहला उनको वो चेयर में मैं बिठाऊंगा। अगर आपके सामने साक्षात ईश्वर प्रकट हो जाए और पूछे कि जगदीश गायकवाड़ जी आप एक चीज क्या मांगना चाहेंगे जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, तो क्या मांगेंगे? मुझे ईश्वर पूछेगा नहीं, ईश्वर मुझे प्रकट नहीं होएगा, लेकिन मेरे दरवाजे पे मेरे कार्यालय में कोई भी बूढ़ी माँ आएगी, बेटा मुझे ये चाहिए, तो मैं उसको देने के लिए पूरा तैयार समर्थन। सर आने वाले 2022 तक का क्या आप तैयारी करके रखे हैं, क्या प्लानिंग है आपकी पनवेल महानगर पालिका क्षेत्र के लिए और रायगढ़ जिले के लिए बतौर पार्टी के जिलाध्यक्ष के तौर पर और डिप्टी मेयर के तौर पर? मुझे ये कॉन्स्टिट्यूशन में पनवेल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में पार्लियामेंट मेंबर रामशेठ ठाकुर ने 2 सीटें दी, 1 7 नंबर 1 12 नंबर, जिसको मराठी में 7-12 बोलता है, जो 7-12 बाबा साहब ने दिया है। तो 7 नंबर की सीट भी मेरी 16 से 80 वोटों में चुन के आई, और 12 नंबर मेरी 2 मतलब अधिक वोटों से चुन के आया। अभी मैं 5 सीट की मांग करूंगा और 5 के 5 सीट चुन के लाऊंगा, और बेशक मेरी सीट चुन के आएंगे। सर आखिर में क्या संदेश देना चाहेंगे अपने समाज के, दलित समाज और पिछड़ा समाज को, और क्या आप उनसे कहना चाहेंगे, क्या अपील करना चाहेंगे? मेरे समाज को एक संगठित होना चाहिए, एक संग होके पहला अभी पॉलिटिशियन में मत जाओ, बच्चे लोग को पढ़ाओ, शिक्षित करो, हमारे जो नया पीढ़ी है उसको शिक्षित करना चाहिए। ये मुख्य संदेश है कि मेरा लड़का आमदार नहीं बनना चाहिए, मेरा लड़का नगर सेवक नहीं बनना चाहिए, मेरा लड़का IAS IPS डॉक्टर वकील इंजीनियर बनना चाहिए, ये विजन रखेगा तो बाबा साहब ने कहा कि सारा भारत बुद्ध मैं करूंगा, बुद्ध इसमें है कि लोगों की सेवा करने वाला तुम्हारे घर में एक कोम में एक बच्चा जाना चाहिए। आपके आपके साथ एक बोनस सवाल है सर, आपको इस पूरे क्षेत्र का गोल्डमैन भी कहा जाता है, कितनी खुशी होती है आपको? और बीच में मैंने सुना था कि आपने सारे गोल्ड वगैरह उतार दिए थे तो पहचान बहुत सारे लोग नहीं पाते थे, तो ये जो पहचान है किस लिए बनी? क्योंकि आज भी ऐसा समाज है जिनके पास बिल्कुल भी खाने के लिए नहीं है, और मैंने कई लोगों को कहते हुए सुना था कि वो उस समाज के नेता हैं जिनके पास खाने के लिए नहीं है बहुत सारे लोगों के पास, लेकिन वे फिर भी लाखों का गोल्ड पहनते हैं। आपको सुन के कैसा लगता है? कैसा है ये सब, तुमने क्या कमाया, क्या पाया, क्या खोया, और कमा के उड़ाया, हमने कमा के बचत किया। अभी मेरे गोल क्या पहन रहा, मैं आपको एक बताता हूँ, मैं दुबई में गया, यहाँ से दुबई गया तो मेरे हाथ में ये बुद्ध की रिंग थी, मेरे गले में सम्राट अशोक का ये चक्र था। जब मैं
आउट ऑफ कंट्री जाता हूँ तो मैं लेके जाता हूँ, जो छोटा मोटा लेके जाता हूँ। उधर जाने के बाद एयरपोर्ट के उतरने को लोग देखते हैं, अरे ये बुद्धिस्ट। जब मुझे बुद्धिस्ट वो लोग, मैं बोलते यस आई एम इंडियन बुद्धिस्ट, वो लोग मुझे गले मिलाते हैं, खाना खिलाते हैं, लैंग्वेज प्रॉब्लम आता है बट वो समझते हैं। और फिर जब उनको ट्रांसलेशन होता है कि मैं बाबा साहब के गांव से हूँ, महाड़ से हूँ, रायगढ़ से हूँ, कोकण से हूँ और बुद्ध भूमि से हूँ, तो मेरी जो इज्जत है आउट ऑफ कंट्री में जो लोग करते हैं, इसके लिए मैं ये पहनता हूँ। सर बहुत बहुत आपका थैंक यू, और आपने मेरे बहुत सारे सवालों का जवाब दिया, और मैंने काफ़ी कुछ ऐसे सवाल भी पूछे जो थोड़े से डिफिकल्ट थे, फिर भी आपने बहुत सादगी से इन सवालों का जवाब दिया। आप अभी हमारी बातचीत सुन रहे थे रिपाई के रायगढ़ के जिलाध्यक्ष और पनवेल महानगर पालिका के डिप्टी मेयर श्री जगदीश गायकवाड़ जी से हमारी बातचीत चल रही थी। जैसा कि आपने सुना कि आपका विजन है कि जो पिछड़ा और दलित समाज है, जो माइनॉरिटी समाज है, उनको न्याय देने के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए, और जो लोग, जो भी ऐसे युवा हैं जो बेरोजगार हैं, उनको उनको कैसे मुख्य धारा में विकास के ला सकते हैं, कैसे उन्हें एजुकेट कर सकते हैं और उन्हें आगे बढ़ने के लिए कैसे प्रोत्साहित कर सकते हैं, पनवेल महानगर पालिका क्षेत्र हो या रायगढ़ जिले का पूरा क्षेत्र हो, ये यहाँ के सर्वांगीण विकास के लिए भी आपका जो विजन है, हम उम्मीद करते हैं कि आपका जो विजन है, आपका जो संकल्प है, उसमें आप निश्चित तौर पर सफल होंगे। आज की बातचीत में बस इतना ही, अगली बार हम फिर किसी नई शख्सियत के साथ दोबारा आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाज़त, लेकिन आप देखते रहिए खबरों का नया अड्डा टीवी वन इंडिया। नमस्कार। लेटेस्ट अपडेट और खबरों के लिए टीवी वन इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें।